हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे, उत्तराखंड ब्लॉगर संतुष्टि रावत के चैनल पे। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे देखिए, ये मैंने आज नए रखे हैं कुछ चीज़ें, देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। तो आज है 6 तारीख और दिन है आज फ्राइडे। ये हैं गाइस उत्तराखंड की हमारी अरवी। तो कल ही किसी ने मुझे ये दिए थे, थोड़ा सा थे तो मैंने कहा चलो इनकी सब्जी बना देती हूँ। तो घर में बच्चे तो खाते नहीं हैं कोई भी, और उनको जुकाम खांसी भी हो रही है ना, तो बोलते हैं कि अरवी मतलब खांसी में बच्चों को नहीं देनी चाहिए, तो ठंडी होती हैं ये। लेकिन मैं इसमें बहुत कुछ डालूँगी और इनको मैं बना रही हूँ सूखा। हाँ, मैंने तेल रख दिया है फ्राईविन में, गरम सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं। सरसों के तेल में अच्छी होती हैं अरवी। और ये रही मेथी, जीरा, तेजपत्ता और लौंग, दालचीनी। तो ये भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। थोड़ा से भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अरवी ऐड कर देंगे। अरवी को आप इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो मैंने ये मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसके ऊपर रख देंगे थोड़ा 1 मिनट के लिए ढक्कन, क्योंकि ये उबले हुए हैं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इनको, बस 1 मिनट में पक के रेडी हो जाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मेरा हो रहा है नाश्ता और अभी बज गए हैं करट 11। ये रही सब्जी, ये गांव की अरबी थी, किसी ने दे रखी है तो इतनी थी, ये मैंने आज बना दी और बच्चे खाते नहीं थे, जबकि बच्चों को भी पसंद आई है। मेरा बेटा कह रहा है बहुत टेस्टी बनी थी ये, बहुत ही टेस्टी हो रही है सूखी। वैसे भी गीली भी बना सकते हो आप, और सूखी बहुत टेस्टी बन रखी है। तो मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पर नाश्ता, आप लोग भी कर लीजिए। 11 बज गए, 11 बजे नाश्ता हो रहा है। अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा है, मेरा काम करना है और घर की पूरी दीपावली की जो सफाई होती है ना, वो तो सब कुछ साफ तो कर लिया है, सारे कमरे, फ्रिज वगैरह। बस अब मेरे रह गए हैं घर के जितने भी गेट हैं ना, गेट भी हमारे बहुत हैं, कितने हैं, कम से कम 7-8 हैं लकड़ी के भी, और फिर उन पे एक एक लोहे के जाली के जो होते हैं वो हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ गेट साफ करने की। और पंखे हैं, पंखे तो खैर एक बार कर दिए सारे, अभी चल ही रहे हैं ना, कभी कभी हल्का हल्का सा चलाते हैं गर्मी होती है तो, वैसे मौसम चेंज हो गया आजकल, लेकिन दिन में चला लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और रात को भी नहीं तो मच्छर लग जाते हैं यार, तो पंखे फिर से गंदे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं आज गेट साफ़ कर लेती हूँ और कल मैं पंखे साफ करूँगी, और परसों फिर अहुई का फास्ट। ये है नई गिलास, ये परसों हम दीदी के वहाँ गए थे ना करवा चौथ वाली, जो वीडियो आपने देखी होगी, तो दीदी की बहू है छोटी वाली जो, उसके मैके से हम जितने भी लेडीज़ गए थे उनके घर, सबको एक एक गिलास दी, मतलब दीदी की जो बहू है उसकी मम्मी ने, वो भी एकदम पड़ोसी हैं उनके, पड़ोस में रहते, तो उन्होंने हमको एक एक गिलास दी, और इसमें 20-20 रुपये रखे थे और 2-2 मट्ठी, उनके वहाँ का रिवाज होगा ना देने का ऐसा, तो उन्होंने हमें ये दी थी। तो हम जितनी भी लेडीज़ गए थे, कितने होंगे हम, कम से कम 9-10 तो थे ही, सबको ही एक एक गिलास दी स्टील की, और उसमें 20-20 रुपये और 2-2 मट्ठी है नई गिलास में। इसमें मैं चाय पी रही हूँ, गिलास अच्छी है एकदम मजबूत। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। झाड़ू पोछा तो हो गया है, अभी
झाड़ू पोछा घर का सारा काम हो गया है, अब मैं ये गेट साफ कर लेती हूँ थोड़ा। एक दो गेट तो मैंने कर दिए हैं, अभी सफाई करते करते तो ये और कर रही हूँ ये बाथरूम के। पहले ना मैं इन पे विम बार लगा रही हूँ, जो बर्तन मांजने का होता है ना, इससे जूने से थोड़ा सा इसको मैं ऐसे साफ कर दूंगी। बन रही है मूली की भुजिया, और इधर ये चने रखे हैं, काले चने, काले चने रखे हैं, इन्हें सीटी दे रही हूँ। और इधर मूली की भुजिया बन रही है, ये है हमारा रात का डिनर। तो गाइस सुबह से अभी मैं मिल रही हूँ शाम को आपको, तो दिन में मैंने रेस्ट किया, थोड़ा थक गई थी क्योंकि आजकल सफाई 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 हो रही है, बहुत ज्यादा सफाई। तो आज मैंने सुबह सब्जी वगैरह शेयर करी, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, वो शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत काम हो जाता है। उसके बाद मैंने सारे घर के कम से कम हमारे 8 या 9 गेट हैं लकड़ी के, वो साफ करे। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, दिन में खाना खाया, फिर गई थी मैं मार्केट। तो मार्केट से मैं सामान लाई थी, आजकल थोड़ा शॉपिंग हो रही है। कुछ तो मैं ये घर के लिए खराब हो गए थे, बच्चों के लिए कप लाई हूँ, इस तरीके का है एक कप, देखिए ये, और एक ये, और ये अपने बेटे के लिए लाई हूँ। ये दो मतलब दो तीन कप लाई थी मैं, तो
ये सप्लाई थी और थोड़ा सा लाई थी सब्जियाँ मार्केट से, सब्जी लाई थी और एक अपनी बेटी के लिए ला रखी हूँ। बहुत बढ़िया कप, वो है 150 का मग्गा है वो, मतलब पूरा 150 का कम नहीं करे उन्होंने, क्योंकि मेरी बेटी ने अभी जाना है अपने कॉलेज, तो थोड़ा थोड़ा करके इसके लिए मैं सामान ला रही हूँ। तो जैसे हॉस्टल में जाते हैं, लाओ यहाँ से निकालना बबी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पता 150 का है लेकिन इतना बढ़िया, इतना सुंदर, क्योंकि ये प्यारा सा है, मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। और मैंने कहा ये वहाँ हॉस्टल में जाते हैं ना रात को, जैसे डिनर वगैरह करते हैं तो दूध चाय भी इनको मिलती है, तो उस टाइम हाँ सुबह के टाइम भी दूध मिलता है, तो वहाँ से गिलास में लाती है। कप भी है वैसे, कप वाले ढक्कन वाले नहीं, वो ढक्कन वाले नहीं है, तो गिलास में भी ठंडा हो जाता है और फिर खुला भी थोड़ा सा ऐसे दूरी पे है ना, तो मैं लाई हूँ ढक्कन वाला। ये देखिए कैप, ये कितना सुंदर लग रहा है ना, भारी भी क्यूट और बहुत ही हैवी है ये। ये चीनी मिट्टी का है उसका, जिसके मतलब ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, हाँ चीनी मिट्टी के जो हम कप लाते हैं उसी का है ये, देखिए। और ये 150 का है पूरा, पता कितना बढ़िया है, बहुत ही, और इतना हैवी है। और ये है इसका ढक्कन, ढक्कन भी बहुत ही अच्छा है इसका, ये देखिए। आगे से अपना चेहरा भी देख लो इसमें, इस टाइप का है ये। मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ ये बड़ी वाली के लिए, अब ये दीपावली के बाद ही इसने जाना है, तो कॉलेज के लिए इसकी तैयारी हो रही है धीरे धीरे करके। कल मैं इसके लिए सूज वगैरह भी लाई थी, आज ये मग्गा, और परसों एक दिन हुड्डी वगैरह लाई थी, वहाँ देहरादून में ठंड बहुत होती है ना, देहरादून पड़ती है मेरे बेटू। तो चलिए फिर और कुछ सामान भी दिखाना है आज मैंने आपको, तो अभी मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों की भुजिया डिनर के लिए, और काले चने, जो ये सीटी लग रही है काले चने, लेकिन काले चने ना मैं सूखे बनाऊंगी। बबी सूखे पसंद है ना तुझे? हाँ। वो जैसे नवरात्रि में नवमी में बनाए थे, थोड़े गीले, हल्के गीले, हाँ जैसे नवमी में बनाए थे, थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी, पता बहुत टेस्टी होते हैं काले चने और मूली के पत्ते। और आज मेरे लिए गाँव से, मतलब मेरी दीदी ने मेरे लिए भेजे है गाँव की ककड़ी, हमारी उत्तराखंड की आपको दिखाती हूँ, और गाँव के बन, और क्या बोलते हैं उनको, समोसे, वो सब उत्तराखंड की चीजें अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उत्तराखंड का कद्दू छोटा सा है, चुटकू सा। तो चलो अभी दिखाती हूँ, लाती हूँ यहाँ पे, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये है सामान, देखिए ये हमारा उत्तराखंड का सब कुछ। ये है ककड़ी, खीरा, जो यहाँ खीरा बोलते हैं, खीरा छोटे होते हैं, ये गांव की ककड़ी है, देखो कितनी बड़ी है ये। ये गांव से आई है मेरे लिए, हमारे उत्तराखंड की, मुझे अपनी उत्तराखंड की चीज़ें बहुत पसंद है, स्वादिष्ट भी होती हैं और अच्छी भी। कितनी बड़ी ककड़ी है, देखिए ये ककड़ी है। और ये है हमारी उत्तराखंड की मूली, और ये आपको लग रही होगी सलगम जैसी, ये सलगम नहीं है, ये मूली है। और ये है कद्दू, सीताफल छुटकू सा, एकदम छोटा सा। और ये हैं बन, और ये हैं फैन, यहाँ इनको फैन बोलते हैं लेकिन हमारे वहाँ इनको बोलते हैं समोसे। तो ये हैं हमारे उत्तराखंड के समोसे, देखिए ये मैंने मंगाए थे, मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं ये अपने उत्तराखंड के समोसे, पता है इनका स्वाद ना अलग होता है। ये यहाँ फैन बोलते हैं, यहाँ छोटे होते हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, लेकिन हमारे उत्तराखंड में देखिए इतने बड़े बड़े होते हैं ये। और तो ये मंगाए थे मैंने, और ये बन मंगाए थे, और ये ककड़ी, ये मूली, और ये कद्दू। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, जो शायद बहुत सारे लोगों ने ना देखी हो लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोगों ने देखी है, पहचानते हैं, ये है गुड़। तो गैस ये गुड़ है, ये इतना, ये एक या दो किलो का होता है शायद, दो किलो है, एक किलो है ये, लेकिन दो किलो की भी होती है, पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी, अब ऐसी आती है, तो इसे फिर तोड़ते हैं हम, तोड़ के खाते हैं। तो ये है गुड़, इसे हमारे गांव में बोलते हैं भेली, भेली बोलते हैं हमारे गांव में इसको, भेली। तो ये है उत्तराखंड की भेली, मतलब गुड़। तो ये पूरा ऐसी हमारे वहाँ आती है, ये मंगाई थी मैंने ख़ास तौर पे, मैंने बोला था मेरे लिए कि ये ले आना, तो ये सामान मेरी दीदी ने भेजा है मेरे लिए जो उत्तराखंड में रहती है। और देखिए मैंने तो ये मंगाया था वैसे,
ये गुड़ मंगाया था मैंने, और ये बन और ये मंगाए थे, क्योंकि ये मुझे ना बहुत पसंद है अपने वहाँ के। ये सिर्फ हमारे वहाँ मिलते हैं और इनका स्वाद भी अलग होता है। ये बन अलग ही होते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं ये, और ना ही ये फैन यहाँ मिलते हैं। इनको हम समोसे बोलते हैं, ये भी यहाँ नहीं मिलते, बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ना ही ऐसा वाला गुड़। ये गुड़ खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और ये मूली, ये खीरा, ये कद्दू छोटा सा मेरी दीदी ने दिया, देखो अपनी तरफ से, ऐसा होता ही है ना, बहन का प्यार होता है ये, उसने इतना सारा सामान दिया है मेरे लिए। तो आज तो मैंने खोल दिया यहाँ पे दुकान, तो गैस आप लोग भी आ जाइए। मीठा गुड़ भी है, रायता बनाएंगे ककड़ी का, देखिए कितना बड़ा ये ककड़ी है, तो बहुत बड़ी होती है ये ककड़ी। तो गांव में इसका पता है, हम ऐसे लंबे चीरे काटते थे, बहुत ही यम्मी और टेस्टी इसका जो है रायता होता था। और ये मूली, और ये गोल मूली, बहुत ही टेस्टी होती है ये भी खाने में। और ये लग रही है सलगम जैसी, पर ये सलगम नहीं है, लाल वाली मूली होती है ना, वो है ये। तो गैस मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको, और ख़ास तौर पे ये गुड़, देखिए हमारे उत्तराखंड के लोग पहचानते होंगे इसे, पता है इसका ना स्वाद भी अलग होता है। यहाँ जो गुड़ मिलता है वैसा ये नहीं होता, ये अलग होता है। तो वहाँ पहले ऐसा ही मिलता था, अब तो वहाँ भी वो टुकड़े वाला मिल जाता है खुला, लेकिन पहले ऐसे ही मिलते थे, और जब हम छोटे थे ना तो ऐसे ही, लेकिन अब छोटे भी मिल रहे हैं, पहले तो बड़े ही मिलते थे, इसका थोड़ा डबल, बड़ी बड़ी भी मिलते थे वो तो गुड़। तो ये मंगाया है मैंने, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में तो हम कम खाते हैं गुड़, तो गुड़ हो गया। और ये बन, ये मेरे फेवरेट हैं हमारे उत्तराखंड के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये मैंने मंगाए हैं। और ये समोसे, इनको पर आपको अजीब लग रहा होगा, हम वहाँ इनको समोसे ही बोलते हैं उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ इनको फैन बोलते हैं। और मूली कद्दू तो दिखाई दिया, और ख़ास करके ये खीरा, इसे बोलते हैं पता है हमारे वहाँ ककड़ी, देखिए पता नहीं बेल पर देखो कैसे अटक जाती होगी, बाप रे मेरे हाथ पे भारी हो रही है। तो ये सब मेरी दीदी ने भेजा है मेरे लिए सामान उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चलो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, बताना आपको कि ऐसी ककड़ी क्या आपके वहाँ भी होती है या उत्तराखंड में ही होती है। देखिए पूरा मेरे कैमरे पर पूरा आ गया मोबाइल में, देखिए। तो चलिए गाइस अभी डिनर करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, फिर ब्लॉग को एंड कर दूंगी। तो गाइस चलिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर, और ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।